मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने बात की थी एनिवर्सरी गिविंग फूड्स, अपन ने देखा था ओके काइंड्स ऑफ फूड अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपन एनर्जी गिविंग फूड के बारे में अपन बात कर चुके हैं। ओके नाउ एनर्जी गिविंग फूड अपन ने देखा, जिसमें अपन ने राइस, पोटैटो, बटर, शुगर इनके बारे में बात किया। ठीक है, जो एनर्जी गिविंग फूड है, इट मीन्स दैट ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या हो गया? जो हम अपनी बॉडी में बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ओके सो फूड्स लाइक मिल्क, पल्सीज, एग्स, सोयाबीन, चीज, चिकपीस, पीनट्स एंड मीट मेक आवर बॉडी स्ट्रांग। ये सारे जो भी फूड हैं वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रांग बनाते हैं प्लस इसकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंड? सो नाउ दीज फूड आइटम्स आर रिच प्रोटीन। इन फूड आइटम्स में क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, अच्छी अमाउंट में प्रोटीन होती है। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और इन सभी फूड्स को आप क्या कहोगे? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्योंकि ये अपनी बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ओके, दे हेल्प अस इन बिल्डिंग आर मसल्स थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और ये क्या करते हैं? अपनी जो बॉडी है उसको थिक एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, दिस इज मिल्क। ओके, तो मिल्क में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है जो बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। लाइक राइस, पल्सेस ऑल्सो बॉडी बिल्डिंग का वर्क करते हैं, ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। एग्स, मीट, ओके, नॉन वेज एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं? इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और ये बॉडी को बनाने में वर्क करते हैं, अपनी बॉडी को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज प्रोटेक्टिव फूड्स। ओके सो प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं? अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे? डिजीज से। डिजीज से अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। और इसीलिए इन फूड्स को अपन क्या कहेंगे? प्रोटेक्टिव फूड्स। ओके, दीज फूड आइटम्स गिव अस विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये फूड आइटम हमें क्या देते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू स्टे हेल्दी। और हमें बहुत सारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो हमें ईट करने चाहिए और फ्रूट्स हमें ईट करने चाहिए, सो दैट हमारी जो बॉडी है वो कैसी रहेगी? हेल्दी। ओके, फ्रूट्स टू स्टे हेल्दी। ओके, हमें हेल्दी रहने के लिए क्या होगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने को खाना। यू शुड अवॉइड ईटिंग बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन एंड समोसा। दे आर नॉट हेल्दी फूड्स। तो ये हमें कम से कम खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन वगैरह जो भी होते हैं ये क्या करते हैं? आपको हेल्दी नहीं रखते हैं। ठीक है, आपको बीमार बनाते हैं। इसीलिए इस फूड से, इन फूड से आपको क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। और ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ये आपको क्या करेंगे? इस तरह से डिजीज से प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, सो यू शुड टेक मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट वी हैव इज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। अब अपन बात करेंगे वेजिटेरियन क्या होता है और नॉन वेजिटेरियन जो है वो क्या होता है। सम पीपल डू नॉट ईट एग्स। कुछ लोग जो हैं वो एग्स, मीट, फिश, ये सभी चीज़ों को नहीं खाते एज ए फूड, वो इनको नहीं खाते। दे ईट ओनली प्लांट पार्ट्स। दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। ठीक है, वो क्या करते हैं? ओनली प्लांट पार्ट्स को खाते हैं। ठीक है, और इस टाइप के जो लोग होते हैं जो ईट एग, मीट एंड फिश नहीं खाते हैं, ओनली प्लांट पार्ट को ही वो फूड के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के लोगों को हम क्या कहेंगे? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन ईट ओनली ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, और जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते हैं? ओनली ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। तो इस टाइप के लोगों को हम क्या कहेंगे? वेजिटेरियन।
People who eat eggs, meat, fish are called non-vegetarian. ऐसे लोग जो एग्स, मीट, फिश एट्सेट्रा को कंज्यूम करते हैं एज ए फूड, इसको आप क्या कहोगे? नॉन वेजिटेरियन। दे ऑल्सो ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी ईट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के लोगों को हम क्या कहेंगे? नॉन वेजिटेरियन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, वेजिटेरियन कौन होते हैं? जो ओनली प्लांट पार्ट्स को ही खाते हैं, ठीक है, उनको तो हम क्या कहेंगे? वेजिटेरियन। ठीक है, और नॉन वेजिटेरियन कौन हो गए? ऐसे लोग जो प्लांट पार्ट को तो खाते हैं, उनके अलावा ये एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं। अब एनिमल प्रोडक्ट का मीन ये नहीं हो गया कि मिल्क खाते हैं तो वो भी नॉन वेजिटेरियन हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग जो एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट को खाते हैं, लाइक एग्स, हैन, फिश, इट मीन्स ये क्या करते हैं, एनिमल को भी कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। इसीलिए इस टाइप के लोगों को हम क्या कहेंगे? नॉन वेजिटेरियन। एंड यू शुड नॉट टेक पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन एंड समोसा। ये आपकी हेल्थ के लिए, ये आपकी अच्छी हेल्थ के लिए यूजेबल नहीं है। ठीक है, ये आपको बीमार बनाते हैं, सो आपको इनसे दूर रहना चाहिए। एंड जितना ज़्यादा हो सके आपको ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।